नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक देवती कर्मा को मैदान में उतारा गया है। AICC ने आज ही उनके नाम का ऐलान किया है। देवती दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी है। देवती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है दंतेवाड़ा की जनता देवती कर्मा को आशीर्वाद देगी। लड़ाई हम बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें, कांग्रेस ने देवती कर्मा को विधानसभा चुनाव के दौरान भी दंतेवाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भाजपा के भीमा मंडावी से 2100 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो रायपुर से आपको और बता रहे हैं कि यहाँ पर देवती कर्मा के नाम पर मोहर लगी है। अब दंतेवाड़ा और अब खबर कोंडागांव से आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने देवती कर्मा को उम्मीदवार बनाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में इस बार संगठन की शक्ति और भूपेश बघेल सरकार के 8 महीने के कार्यकाल के लिए किए गए जनता के हित के फैसले अहम होंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के वचन पूरा करने से छत्तीसगढ़ वासियों का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजा गया था, जिसमें एक नाम के हाईकमान ने मुहर लगा दी है। बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी की धर्मपत्नी, पूर्व विधायक आदरणीय देवती कर्मा जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी उपचुनाव में घोषणा की गई है और हम लोग उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ, संगठन की एकता के साथ हम लोग जा रहे हैं और उपचुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए CPI भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। CPI जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने वाली है। प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक के बाद पार्टी ने मनीष कुंजाम और भीमसेन मंडावी के नाम की घोषणा कर दी है। 7 सितंबर को पार्टी दोनों में से एक उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएगी। CPI सचिव RDCP राव ने बताया है कि कार्यकारिणी की बैठक में जिला की मांग अनुसार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। ये चुनाव मोदी सरकार के खिलाफ होगा, साथ ही जन जंगल और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के साथ निजीकरण की सोच के खिलाफ ये लड़ाई रहेगी। प्रत्याशी का हमारा अभी कमेटी का निर्णय है कि 2 लोग का नाम हम घोषणा किया है। कौन कौन है नाम? एक तो मनीष कुंजाम भी है और एक हमारा भीमसेन मंडावी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दंतेवाड़ा की विधानसभा सीट पर अब CPI भी चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं CPI की? देखिए, न केवल CPI बल्कि कांग्रेस और BJP एक महत्वपूर्ण चेहरे को उतार कर चुनावी दंगल में अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करेगी। जरूर CPI का वर्चस्व रहा है और क्रोनोलॉजी देखें यदि दंतेवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर, तो CPI के जो उम्मीदवार हैं पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं। खुद महेंद्र कर्मा का जिक्र करें, जो कि कांग्रेस के नेता थे और झीरम घाटी में जिनकी हत्या हो गई, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब CPI के एक बड़े उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव हराया था और CPI का एक दमखम है। CPI का उस क्षेत्र में बड़ा व्यापक जनाधार है और मनीष कुंजाम जो है, हालांकि वो सुकमा और कोंटा के इलाके से जरूर आते हैं, लेकिन उनका अपना एक प्रभाव उन इलाकों में है। इसलिए मनीष कुंजाम का चुनाव में उतरना अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज तो देता ही है, साथ ही साथ BJP और कांग्रेस के लिए एक तरीके की चुनौती भी खड़ी करता है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कुंजाम चुनावी दंगल में
कूद सकते हैं सीपीआई के टिकट पर। उसके पैरेलली बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया था। कांग्रेस ने देवती कर्मा पर दोबारा दाव खेला है। महेंद्र कर्मा की पत्नी है, दंतेवाड़ा से पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं। पिछला चुनाव जरूर, जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें हार का खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और हालात बदले हैं। कांग्रेस अब सत्ता में है, सत्ता में रहने का एक प्रभाव जरूर होता है और उपचुनाव में ये माना जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी का प्रभाव ज्यादा होता है। सरकारी मशीनरी भी कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से काम करती है। या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आज शाम प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में दंतेवाड़ा विधानसभा में बीजेपी का चेहरा कौन बनेगा इसे लेकर न केवल रायशुमारी होगी बल्कि चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि पार्टी लगभग लगभग नाम तय कर देगी। और ये माना जा रहा है कि भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो दंतेवाड़ा सीट के बीजेपी के विधायक थे उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी पर पार्टी दाव खेल सकती है। ओजस्वी मंडावी ने भी पहले भी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं। और भीमा मंडावी की पत्नी होने के नाते जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट बैंक भी ओजस्वी मंडावी के हिस्से आ सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ओजस्वी मंडावी बीजेपी से, दंतेवाड़ा से कांग्रेस की उम्मीदवार जिस तरीके से ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, देवती कर्मा और मनीष कुंजाम, ये तीन बड़े चेहरे चुनावी दंगल पर होंगे। और जीत का सहरा किस पर बंधेगा ये चुनावी रणनीति पर जब ये कूदेंगे, नामांकन दाखिल की प्रक्रिया हालांकि बाकी है, तब जब नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन जीत रहा है और दंतेवाड़ा की जनता किस पर सहरा बांधना चाहती है। निश्चित रूप से आशीष, देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर अब ताज सजेगा। लेकिन सवाल यह है कि देवती कर्मा को दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार भीमा मंडावी से 2100 मात्र वोटों से वो हार गई थी। अब सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है और देवती कर्मा को दोबारा वहां से खड़ा किया गया है। इस बार नए मुद्दे कौन कौन से होंगे देवती कर्मा के जिन्हें लेकर अब वो चुनावों में उतरेंगी? देखिए, मुद्दों की फहरिस्त लंबी है कांग्रेस के पास और कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से ट्राइबल सेक्टर पर काम किया है, आदिवासी समाज को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस ने रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है। पहला मुद्दा लोहांडीगुड़ा में जिस तरीके से टाटा से जमीन वापस लेकर जो प्रभावित किसान थे जिन्हें अरसे से उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, वो एक बड़ा फैसला है जो कांग्रेस को बस्तर में मजबूत करता है। कुपोषण की बड़ी समस्या से कांग्रेस सरकार जूझ रही थी और इस पर काम करना चाह रही है, तो कुपोषण बस्तर की बड़ी समस्या है, दंतेवाड़ा की समस्या है। और पिछले दिनों कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और बस्तर में खासतौर पर दंतेवाड़ा के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से गुड़ और चना बांटने की योजना पर सरकार काम कर रही है, ये बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दिलाएगी। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से ट्राइबल्स का जो प्रतिशत है आरक्षण का उसे बढ़ाया है, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो मुद्दों पर और खासतौर पर जो अपील करने वाले जो इश्यूज हैं उस पर कांग्रेस मजबूत होती नजर आती है। लेकिन जरूर बीजेपी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है और भीमा मंडावी की हत्या के बाद या मौत के बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी को आगे फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही है एक बड़े सिंपैथी वोट बैंक को टारगेट करते हुए, ये बीजेपी का अपना एक बड़ा टास्क है, बीजेपी की अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। और इनके पैरेलल यदि सीपीआई के मनीष कुंजाम को देखा जाए तो उनके अंदरूनी इलाकों में अच्छी पैठ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय संघर्ष के हालात जो है वो दंतेवाड़ा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दंतेवाड़ा सीट पर कौन प्रत्याशी होता है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरेली के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार सूबे के पारंपरिक त्योहार पोला तीजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम निवास पर पोला पर्व मनाया। आपको बता दें इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम भी किए गए। छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सीएम हाउस में साज सज्जा की गई, सूबे के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए, नंदी बैलों को भी सजाया गया। सुबह से आसपास के लोगों में पोला मनाने के लिए सीएम हाउस से जुटने की यहां पर भीड़ देखने को मिली। इस दौरान स्थानीय कलाकारों में बेहद मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई।
रहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं। पूरे परिवार के साथ उन्होंने जो इस त्यौहार का प्रतीक है उनके यहाँ पर पूजा की है। हमारे साथ भूपेश बघेल जी हैं। बड़ा त्यौहार आपने मनाया है। बड़ा त्यौहार जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, सजाया जाता है, दौड़ाया जाता है और जो मिट्टी से जो कुम्हार लोग बनाते हैं जिसमें नंदी भी बनाते हैं, चुकिया भी बनाते हैं, पोला भी बनाते हैं, जाता बनाते हैं, सबकी पूजा की जाती है और बैलों को सजाया भी जाता है, उसे दौड़ भी कराया जाता है, बैलगाड़ी भी दौड़ होता है। संस्कृति की झलक देखिए साफ तौर पर। छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है, संस्कृति है और इसी कारण से इसे तीजा जो तुरंत बाद तीजा आएगा और उसमें हमारे सभी माताएं बहनें बेटियां सब अपने अपने मायके जाती हैं। अष्टरु भात का भी आयोजन किया गया है। इस प्रकार से हरेली को व्यापक तौर पर मनाया गया और अब पोला और तीजा जो छत्तीसगढ़ परंपराओं का प्रतीक है उसे जोर शोर से मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा है। कैमरा मैन श्याम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार आए के बाद पहला दफा ऐसा लगा थे लोग मल्ला कि छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार आ गए है और छत्तीसगढ़ के जितना तीज त्योहार है वाला उमंग और उत्साह के साथ लोग मनावा थे। हमार मन के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया है, यहाँ के हर त्योहार ला हर उत्सव ला उमंग और उत्साह के साथ बढ़ा चढ़ा के लोग मन उमें भाग ले थे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित पूरा तीज गीत संगीत के कार्यक्रम में उस वक्त तालियां बजने लगीं जब विधायक कुंवर सिंह निषाद महिलाओं के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। तोर बिन कैसे लागे राजा इस छत्तीसगढ़ी गाने पर महिलाओं के साथ गुंडर देही विधायक कुंवर सिंह निषाद जमकर नाचे। तीज के इस कार्यक्रम में कस्टोल विधायक शकुंतला साहू, तखतपुर की विधायक रश्मि सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने गेरी का मजा लिया और महिलाओं के साथ झूला भी झूला। वहीं छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। उसी बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पोला त्योहार की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि को अच्छा बनाने में मवेशियों का भी विशेष योगदान होता है। भारत देश में इन मवेशियों की पूजा की जाती है, पोला त्योहार उन्हीं में से एक है। जिस दिन गाय और बैल की पूजा सजावट कर पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन ठेठरी खुरमी का भोग लगाया जाता है। पोरा तिहार सामने आ गए है और पोरा तिहार के छत्तीसगढ़ के रहवैया जम्मो किसान मनला, भाई बहनी मनला, संगवारी मनला, लड़का मनला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूँ। पोरा तिहार हमारे छत्तीसगढ़ के एक ठन बहुत बड़े तिहार है। और खबर बिलासपुर से है जहां पर सिविल लाइन में अजीत जोगी के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र बनाने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कलेक्टर संजय लंग ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के खिलाफ एक पत्र देकर तहसीलदार को शिकायत दर्ज कराई है। सिविल लाइन टीआई करीम खान के अनुसार मामले में जांच के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। सरकार भी मैं बनाया था, दूसरा सरकार भी मैं बनाया था, तीसरा सरकार भी मैं बनाया था। अब इस सरकार को जो बनाता जो मैं स्पष्ट बोल दिया था, यदि सरकार बनाए हो तो बिगाड़ भी सकता हूँ। हर निगम इस पे कार्रवाई कर रहा है, साफ सफाई पे और
स्वास्थ्य विभाग रोग दर्ज हेतु ज्ञापन जो था वो लिखित में था, जिसके आधार पर टीआर भारद्वाज की ओर से हमने कल एक एफआईआर दर्ज किया गया, जो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सामाजिक परिस्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन अधिनियम 2013 की धारा 10(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर संविधान के खिलाफ जाकर एफआईआर करने का आरोप लगाया है। जोगी ने जाति प्रकरण में दर्ज किए गए एफआईआर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी अपराध यदि कानून बनने के पहले किया गया हो तो अनुच्छेद की 20 संविधान के अनुसार उस अपराध पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कानून बनने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। जाति मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर हुए, आपको बता दें एफआईआर के बाद इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसे अपनाया जा रहा है। हाई पावर कमेटी ने अपनी जांच में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना, इसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें गुरुवार को बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने यह एफआईआर दर्ज की है। मरवाही विधायक अमित जोगी ने खुद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में अमित जोगी ने थाने में आवेदन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये देश का पहला मामला है जहां बेटे की जाति आदिवासी है और पिता की जाति आदिवासी नहीं है। इधर पुलिस ने आवेदन पर कार्रवाई करने की बात से मना किया है। एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से खारिज करने का अवैधानिक और गैर कानूनी दुष्प्रयास किया है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब पूरे देश में ये पहला प्रकरण होगा कि बेटी की जाति कुछ और बाप की जाति कुछ और। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा गठित राज्य स्तरीय जाति प्रमाणीकरण उच्च स्तरीय छानबीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता शिवरतन शर्मा सहित पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महेश गागरा सहित तमाम बड़े नेता दंतेवाड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 1 नवंबर तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। इस बार बीजेपी पिछले चुनाव से 4 गुना अधिक मतों को लेकर दंतेवाड़ा में कमल का परचम लहराएगी। बीजेपी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों में कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। पार्टी कैडर जिसका नाम तय करेगी उसे ही मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की 30 सितंबर को बैठक है रायपुर में और उसमें नामों पर विचार करके संसदीय बोर्ड को नाम भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड देगा। अच्छा, कितने नाम गए संगठन के? अभी तो कल बैठक है, जब बैठक होगी तो नामों पर चर्चा होगी। और अब खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पर वैश्य समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया है। आपको बता दें वैश्य समाज ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए खुशी जाहिर की है और इस फैसले के साथ उन्होंने सीएम बघेल का जोरदार अभिनंदन किया। वहीं वैश्य समाज को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सभी समाजों को अपना अपना हक दिया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या यहाँ 13% है, लेकिन उनको आरक्षण केवल 12% दिया जा रहा है। ओबीसी के लोग लगभग 50% हैं और उनको आरक्षण केवल 14% दिया जा रहा है। ये जो मिशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को जांजगीर चांपा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम प्रवास के दौरान शासकीय टीसीएल कॉलेज के समीप खोखरा भाटा में भव्य आम सभा को संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम में 16 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 एकड़ में बने सर्वसुविधायुक्त पुलिस आवास का लोकार्पण करेंगे। पुलिस आवास परिसर में 144 भवन बनाए गए हैं, जिनमें 120 भवन आरक्षकों के लिए, शेष भवन अन्य अधिकारियों के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री बघेल 64.66 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें लोक निर्माण सेतु विभाग द्वारा 44.85 करोड़ रुपए के 6 कार्य शामिल हैं। इसमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की आम सभा है, उसके बाद पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पे ट्रैफिक व्यवस्था से लेके रूट की तैयारी, हेलीपैड, सभी चीजों की तैयारी। कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, वहीं लाल सेना ने भी इस ज्वलंत मुद्दे पर अपना रुख जाहिर किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को दमनात्मक और फांसीवादी करार देते हुए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। यही नहीं, लाल सेना ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफत का भी फरमान जारी किया है। नक्सलों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य धारा में लौटते हुए 5 इनामी नक्सलियों ने एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर नक्सलियों में 2 लाख इनामी कोहरामी मंगल, 2 लाख का इनामी महरू राम, जयराम मंडावी, नरेश नेताम, शांति पर एक लाख का इनाम था। ये सभी अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहकर बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एक हांडावाड़ा का है और बाकी जो 3 है वो नदी पार के हैं। तो निश्चित रूप से जो हर क्षेत्र में जो है सफलता मिल रही है। कल भी फरक्का क्षेत्र में 3 गिरफ्तारी हुई और आज मलांगी क्षेत्र और बारसू क्षेत्र से आत्मसमर्पण हुआ। ये सभी लोग काफी मोटिवेटेड है, नक्सलवाद से पीड़ित हैं, किसी न किसी कारण से इनको जो है नक्सल प्रताड़ना के कारण नक्सलवाद छोड़ना पड़ा। अब ये पुलिस के साथ मिलकर अपने इलाके को नक्सलवाद से दूर करने के लिए। महासमुंद पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को महासमुंद और मुंगेली के पथरिया से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 3,25,000 के नकली नोट बरामद किए हैं, साथ ही 5 मोबाइल, कलर प्रिंटर, कंप्यूटर सेट और कार बरामद की है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने तुमगांव थाना क्षेत्र के पीड़ित को रुपए 2 गुना करने का झांसा देकर नकली नोटों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया था। गिरोह ने 1 लाख के असली नोट लेकर 2 लाख का जाली नोट दिया था। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और खबर अमनपुर से आपको बता दें, जहां पर एसपीएम सूरज साहू ने ग्राम कोलियारी रेत घाट में अचानक छापा मारा। मौके पर रेत उत्खनन करती 2 चैन माउंटेन मशीनें जब्त की हैं, जबकि रेत भरने के इंतजार में 40 हाइवा भी खड़े थे। एसडीएम ने सभी हाइवा को जब्ती बनाते हुए दोनों चैन माउंटेन मशीन को सील कर दिया है। आपको बता दें, कोयलारी लखना रेत घाट में लंबे अरसे से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें मिल रही थी, तब ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ब्लैगर ब्लॉक के नगर पंचायत भटगांव में नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उदासीन रवैये से 2 एकड़ के प्लॉट पर बना लगभग 17,50,000 रुपए का यात्री प्रतीक्षालय 11 साल बाद भी संचालित नहीं हो पाया है। साथ ही इस उदासीनता के कारण लाखों रुपए से बना यात्री प्रतीक्षालय अब खंडहर में तब्दील हो गया है। वहीं बस स्टैंड पर बने कॉम्प्लेक्स की सदर शटर सड़ कर टूटने लगी है और बुकिंग ऑफिस पर खड़े लगे खिड़की दरवाजे चोरी हो चुके हैं। अभी अभी ये और प्रयास किया जा रहा है कि जो मुर्गा मटन की दुकानें हैं जो बस स्टैंड यहाँ पे लगती है पुरानी बस स्टैंड में, तो वहाँ कुछ दुकानें को वहाँ पर संचालित करें ताकि बस स्टैंड वहाँ पर जल्दी से जल्दी चालू हो सके। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में संचालित बाल गृह में रहने वाले एक किशोर को आधी रात को उल्टी दस्त की शिकायत पर
जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान किशोर ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले में परिजनों ने जिला अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के संदर्भ में ये है कि करीब 11-12 बजे की अचानक तबियत बिगड़ी और उसमें वोमिटिंग होने लगी। तब तत्काल उसको हॉस्पिटल में लाया गया, उपचार हेतु एडमिट कराया गया था और उपचार क्लियर हो गया था कि मतलब बीपी नहीं आ रहा था, कॉन्फ्रेट नहीं आ रहा थी। फिर मैंने सीपीआर जो भी प्रोसीजर रहता था रेसुसिटेशन का वो पूरा कम्प्लीट किया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।